नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन आज हमारे पास 52 गेट में ही पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन कह रहे हैं कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम, ये हमें क्या दे रखी है, ग्राउंड स्टेट दे रखी है। द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स अराइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एनोमलस जीमन इफेक्ट है, ठीक है ना। एनोमलस जीमन इफेक्ट है। एनोमलस जीमन इफेक्ट में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर करते हैं, है ना। तो एल और एस के बीच में क्या होती है, कपलिंग होती है, जो हमें क्या देती है, जे मिलता है। तो यानी वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा एनोमलस जीमन इफेक्ट, ठीक है। तो वो हमसे डिफरेंस पूछ रहा है एनर्जी लेवल्स में कितना आएगा। तो देखो, हमारे पास ये पहले एक स्टेट थी, ठीक है। तो ये स्टेट क्या है, 2s, और ये आ गया ये है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तुमने। तो देखो, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो देखो, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी होगी, जी आप पे थी भली बात ही, आपने मैंने एनोमलस जीमन इफेक्ट में इसको भली बात ही बताया है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आती है हमारे पास एनर्जी, ठीक है, कोई डाउट है। तो देखो, फॉर अ गिवन जे जो एनर्जी है वो किस पर निर्भर करेगा, इन दो पर, जे पर और एम जे पर निर्भर करेगा। तो जे का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो ये कितने लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, दो लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इस स्टेट के लिए हमारे पास जे का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना। ये वैल्यू जो है 1/2 है। तो इसका मतलब कितना हो गया, एम जे हमारे पास कितना आएगा, -1/2 आएगा और 1/2 आएगा। इसी प्रकार मैं जे यदि निकालूं इसके लिए तो ये कितना होगा, 1 + j j + 1 + s + 1 - l + 1 2j j + 1 ही होगा, ठीक है। तो j का वैल्यू मेरे पास कितना है, 1/2 है। यहाँ इसको रखेंगे, 3/2 बन जाएगा। प्लस s हमारे पास कितना होगा, अब देखो ये है ना, यही तो है हमारे पास। तो 2 का कहने का मतलब क्या है, 2 कहने का मतलब है सिंपली हमारे पास 2s + 1, ये 2 दे रखा है। तो इसका मतलब s का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। समझ में आया यहाँ से, तो s का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1/2, ये 3/2 हो जाएगा। l का वैल्यू देखो, इसी स्टेट के लिए ये क्या है, है ना, s ऑर्बिटल, यानी l का वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये आएगा 0, जी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 2 1/2, और ये आएगा 3/2, ठीक है। अब देखो, इन दोनों की मल्टी जोड़ देंगे, 3/2 आएगा। यहाँ से एक काट देंगे, नीचे भी 3/2 बचा, तो ये कितना, 1 आ गया। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो कहने की बात है, मेरे पास जो ये स्टेट थी, ठीक है ना, ये दो हिस्सों में बट गई। हमारे पास एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारे पास ये है, यही तो है। तो इसका वैल्यू कितना है, 2 है। एम जे कितना है हमारे पास, 1/2 है, ठीक है। म्यू बी और मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, और -1/2 म्यू बी, तो ये हमारे पास था, कोई डाउट है, ठीक है ना। ये कटा। तो देखो, हमसे ये एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन, कि एनर्जी डिफरेंस बता दो एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या है। तो देखो, एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, अपर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को घटा दो, एनर्जी डिफरेंस हमारे पास पता चल जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये है ना, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। तो बहुत सा आसान क्वेश्चन था, ध्यान से करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारे पास उत्तर आएगा ये, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन में, तब तक नमस्कार, पढ़ते रहिए।